हेलो एवरीवन, मौलिक अधिकार इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ख़ास तौर पर इंडियन नेवी एयरफोर्स के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आप लोग के पेपर में भी पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछा गया है। मौलिक अधिकार इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली नागरिकों से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्योंकि मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये कैसा अधिकार है? अधिकार की बात क्यों, ये किसने अधिकार दिया, कैसे मिला? देखिए, कोई भी चीज़ यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है। हमने इन तमाम अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है, कई लोगों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है और उसके बाद इन अधिकारों को हम लोगों ने प्राप्त किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये तमाम वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। शायद यह देश आज़ाद ना होता तो आज ये मौलिक अधिकार भी ना होता। इन मौलिक अधिकार की ही तो लड़ाई थी, हम स्वतंत्र ही तो होना चाहते थे। और इन मौलिक अधिकारों में इन तमाम तरीके के अधिकारों की चर्चा की गई है। मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल राइट्स की चर्चा संविधान के जिस भाग में की गई है उस भाग का नाम है पार्ट 3। ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 में संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में पूरे मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। यानी फंडामेंटल राइट्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में की गई है। एक यहीं पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान के किस भाग को मैग्न कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्न कार्टा, यह वर्ड इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटेन से, और संविधान के तीसरे भाग को ही मैग्न कार्टा के नाम से जाना जाता है। यानी थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज द मैग्न कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के तीसरे भाग को मैग्न कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, स्पष्ट है, आगे चलते हम लोग। अब भाग 3 में संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में चर्चा है। सवाल ये खड़ा होता है कि कितने तरह के मौलिक अधिकार होते हैं। तो भारत में जब संविधान बनी थी उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स की चर्चा थी। कितने? 7 फंडामेंटल राइट्स की चर्चा थी। 7 मौलिक अधिकारों की चर्चा थी। वो कौन कौन से? तो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा बात करें तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पांचवे की बात करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और छठे अगर मौलिक अधिकार की चर्चा किया जाए तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, और सातवें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 मौलिक अधिकार इनिशियली भारतीय संविधान में था। यानी आरंभिक समय में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन समय के बीतने के दौरान भारतीय संविधान में, जो कि एक बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की, कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है। यानी भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, और अमेंडमेंट का जो कंसेप्ट है वो किस संविधान से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यानी द कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से भारत में, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, जो संविधान के 368 अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है,
तो उसी संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय संविधान में यानी मौलिक अधिकार से राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कह रहे हैं संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया, इसको डिसमिस कर दिया गया वहां से। तो संपत्ति का अधिकार को वहां से हटा दिया गया, उसके लिए एक संविधान में संशोधन हुआ। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पेपर में पूछता है और कई बार पूछा है। तो वो जो संशोधन था उसका नाम लिख लीजिए, 44th अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। यह संशोधन हुआ था और इस संशोधन के बाद जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और हटाकर इसको कहां रखा गया? संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 300A यानी 12वें भाग में, 12 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 12वें भाग में संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत इसका उल्लेख यानी उसको स्थापित कर दिया गया वहां पर। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अब कहां है, तो संविधान के 12वें भाग में आर्टिकल 300A के तहत किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 7 से 6 हो गई। तो आज के संदर्भ में अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 अधिकार आप लोग बताएंगे। अब ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और किन आर्टिकलों में इनका उल्लेख किया गया है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूं। तो राइट टू जो इक्वालिटी है यानी जो समानता का जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका उल्लेख किया गया। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14-18 तक जो है आप देखेंगे तो समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी के लिए असमानता ना हो समाज के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है कि समाज के अंदर समानता होना चाहिए, हर वर्ग के लिए एक जैसा नियम हो, किसी के लिए अलग ना हो, कोई स्पेशल नहीं है, सब एक हैं। तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में, 14-18 में भाग 3 में किया गया है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक, 1900 आप देखें तो 19 से लेकर 22 तक भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आप देखें तो आर्टिकल 19 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, यानी आप कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बात को रख सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 में उल्लेख है। 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपनी सुरक्षा को लेकर जो आप पर ऑफेंसेस किसी चार्ज के तहत आप पर लगा दिया गया हो। उसके बाद 21 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि किस संविधान के किस आर्टिकल में या मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, जो आपके खुद जीवन से संबंधित है, वो है आर्टिकल 21, इसे नोट कर लीजिए। आर्टिकल 21 जो कि अपने लाइफ की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इसके तहत इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में अरेस्ट को लेकर, उससे अरेस्ट से सुरक्षा कि कोई गिरफ्तार ना करे, इसको लेकर जो है चर्चा इसमें किया गया है। तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। आर्टिकल 21 में मैं आपको बता दूं कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कर दिया गया, जिसको 21A के तहत जाना जाता है। आर्टिकल 21A कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है, तो 86th
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें कि इसको आर्टिकल 21A के तहत देखा जाता है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि बच्चों को एजुकेशन यानी जो है फ्री और कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा को लेकर जो है एक मूल अधिकार के तौर पर जो है उसका उल्लेख जो है इसमें किया गया। ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बाद आगे देखें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, यानी दो आर्टिकल हैं जिसमें कि बच्चों को जो मजदूरी कराते हैं, बाल मजदूर अधिनियम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को जो है अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। तो चाइल्ड लेबर और ख़ास तौर पर जो इस पर एक महत्वपूर्ण इशू है, यानी आर्टिकल 23 और 24 में इसका चर्चा है। आगे चलें तो महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बाद, वो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है 25 से लेकर 28 तक में इसका उल्लेख किया गया, लिख लीजिए आप लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख 25 से लेकर 28 तक में किया गया है, यानी 25, 26, 27, 28 ये चार आर्टिकल जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें सभी धर्मों की अपनी स्वतंत्रता है। आप गुरुद्वारा बना सकते हैं तो मंदिर भी बना सकते हैं, आप मस्जिद भी बना सकते हैं, तो कहने का मतलब आप मंदिर भी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म के सारे नियम कायदों को आप पालन कर सकते हैं, ये आपका एक निजी मौलिक अधिकार है। ये भी महत्वपूर्ण बात है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का उल्लेख है। इसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 29 और 30 में जो है इसका किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 29, जिसमें कि माइनॉरिटीज़ के लिए इंटरेस्ट से संबंधित चीज़ों में की चर्चा है, और 30 में जो है आप देखें तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उसकी स्थापना, और माइनॉरिटीज़ के मतलब जो जिनकी संख्या अल्पसंख्यक लोग जिसको बोलते हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर की गई है, धर्म यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। उसके बाद आता है आर्टिकल 32 यानी संविधान का अनुच्छेद 32, जो कि महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें कि मौलिक अधिकार के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इसी आर्टिकल 32 को यानी इसी अधिकार को B.R. अम्बेडकर साहब ने, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, B.R. अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, यानी कहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 दैट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ध्यान रखिए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा के नाम से पुकारा है, कहा कि इसे आत्मा कहा जा सकता है, ये संविधान की आत्मा है। और वहीं पर ये दो प्रश्न बनते हैं। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान की आत्मा किसको मानते हैं? B.R. अम्बेडकर ने तो इसको मान लिया, आर्टिकल 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, जो मौलिक अधिकार का अंतिम अधिकार है। वहीं पर देखें तो नेहरू जी के हिसाब से जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, जो कि मैंने जिसका जिक्र पिछले लेक्चर में किया, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा मानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तरह से देखें तो प्रियम्बल का पूरा ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था, प्रारूप, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार से ये दोनों महापुरुष अलग अलग चीज़ों को लेकर संविधान की आत्मा के तौर पर मानते हैं। ध्यान रखिएगा, अम्बेडकर के लिए ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और नेहरू के लिए प्रियम्बल संविधान की आत्मा है। इसे भी क्वेश्चन कई बार पेपर में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्यों कहते हैं? कारण ये कि द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट इज इम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 32 टू इशू रिट्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स, द हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो इम्पावर्ड टू इशू रिट्स अंडर द आर्टिकल 226। यानी
ये तमाम मौलिक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिकार है जिसको बी आर अम्बेडकर साहब आत्मा कहते हैं। इसमें साफ तौर पर क्लियर है कि मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में कोई चाहेगा कि मौलिक अधिकार को हनन कर दें, उसको दबा दें, कुचल लें, तो संभव नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग अलग स्थिति में रिट जारी करता है, रिट इशू करता है, आप समझिए। क्योंकि अब इसका दो प्रोविजन है। मौलिक अधिकार पर अगर कोई हमला किया, आपके मौलिक फंडामेंटल राइट्स को किसी ने अटैक करने की कोशिश की, तो उस कंडीशन में आपको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्ट फाइल अपील पिटीशन, रीट पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जाकर केस फाइल कर सकते हैं रीट के थ्रू, और वो इशू करेगा, अपील कर सकते हैं आप। हाई कोर्ट में भी यही कंडीशन है। तो हाई कोर्ट लीगल इशूज, ये देखिए अंतर क्या है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में रिट इशू कर सकता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है, और आर्टिकल 226 यानी संविधान का अनुच्छेद 226 ये स्पष्ट तौर पर उल्लेख करता है कि हाई कोर्ट जो है ना, स्टेट का जो उच्च न्यायालय है, ये आपको जो है लीगल राइट्स यानी जो आपके विधिक अधिकार है उसका, उसके संदर्भ में भी और आपके मौलिक अधिकार के संदर्भ में भी दोनों कंडीशंस में रिट इशू कर सकता है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित ये महत्वपूर्ण बात है जिसका मैंने उल्लेख किया। इससे प्रश्न पेपर में आते हैं, तो उन तमाम टॉपिक्स की ओर मैंने आप लोगों को एक तरह से समझा दिया और इशारा कर दिया, और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आता है। तो मौलिक अधिकार जो कि नागरिकों को मजबूती प्रदान करने वाला अधिकार है, नागरिकों को सशक्त करने वाला अधिकार है, क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। इन्हीं अधिकारों के लिए तो हमने लड़ाई लड़ी थी। और याद कीजिए वह स्टेटमेंट कौन सा, तो बाल गंगाधर तिलक ने कही थी, जिन्हें मराठा केसरी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। बाल गंगाधर तिलक ने कही थी कि स्वराज जो है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, यानी स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। तो उसी स्वतंत्रता का अधिकार को प्राप्त करने के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो ये अधिकार हमें फ्री में नहीं मिले हैं, इसके लिए हमने मूल्य चुकाया है। तो आप लोग को भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इसी तरीके से मूल्य चुकाना पड़ेगा। जो टॉपिक्स मैं आप लोग को करा रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।